क्वेश्चन नंबर 1.15, इस क्वेश्चन में हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, E इज इक्वल टू 3×10^3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। मींस यहां पर जो आई कैप है वो शो करता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। यह सिर्फ इतना बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसा कि यहां फिगर में भी दिखाया गया है। ए पार्ट में हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फ्लक्स कैरी करेगा एक स्क्वेयर में से, जिस स्क्वेयर की साइड 10 सेंटीमीटर है और वो स्क्वेयर का प्लेन पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लिखा, मींस वैल्यू लिख दी 3×10^3 न्यूटन पर कूलम। हमें स्क्वेयर की साइड पता है 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर होगी। यहां से हम एरिया निकाल लें, एरिया आ जाएगा 0.1×0.1 मींस 0.01 मीटर स्क्वेयर। हम यहां पे फिगर को समझें, यह एक क्यूब है, इस क्यूब का हर एक सरफेस एक स्क्वेयर होगा। हम यहां पर ये वाला सरफेस लेते हैं जो हमने एरो लगा रखा है जिस सरफेस पे, यह एक स्क्वेयर होगा जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर ई ए कोस थीटा। यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ए एरिया होता है, थीटा एंगल होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। ये जो थीटा एंगल होता है, दोबारा सुने, यह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर होता है। एरिया वेक्टर बोले तो एरिया वेक्टर होता है सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन। ये देखिए, ये जो रेड वाली लाइन है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यह और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में एंगल 0 डिग्री है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में यह कहा गया है कि फ्लक्स कितनी होगी सेम स्क्वेयर में से यदि उस स्क्वेयर का नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप देखें यहां पर जो 60 डिग्री एंगल आ जाएगा वो थीटा की वैल्यू दे रखी है, बिकॉज जो एक्स एक्सिस है वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी, और नॉर्मल कितने डिग्री एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो हमें पता है ये जो एंगल होता है यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस के नॉर्मल के बीच में होता है, जो कि डायरेक्ट हमें 60 डिग्री दे रखा है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इन वैल्यूज को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी क्वेश्चन में हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब जो एक्सरसाइज 1.15 में हमने किया था उसी एक्सरसाइज में यदि एक क्यूब होता 20 सेंटीमीटर का तो उस क्यूब में से नेट फ्लक्स कितना होता। और यह भी गिवन है जो क्यूब के जो फेसेस हैं वो पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, मींस इस तरह से क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब में से नेट फ्लक्स बताना है। तो आप देखें जितना फ्लक्स इस क्यूब के अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी आ जाएगा।